बात कर लेते हैं हम लोग अपने सातवें पॉइंट की। तो सातवें पॉइंट में हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि आपके ठीक ऊपर इसके छज्जा है और छज्जे से धार लगा के जब इसमें पानी गिरेगा तो जाहिर है कि आपका पौधा टूटेगा। मान लीजिए जब आपके छज्जे का पानी डायरेक्टली आपके पॉट में गिरेगा तो जब पानी का बहुत तेज प्रेशर होता है, जब वो तेज धार से गिरेगा तो यहाँ की सारी मिट्टी आपकी काट देगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि जब धार से पानी गिरता रहेगा लगातार, मान लीजिए आपकी लगातार पूरा दिन बारिश हुई, पूरे दिन धार लगा के इसमें पानी गिरा, यहाँ की मिट्टी जाएगी कट और इस पौधे की जड़ें सारे एक्सपोज हो जाएंगी तो पौधा आपका सड़ जाएगा। तो हमें उस केस में क्या करना है, अगर आपके पास, या तो आप कोशिश करें कि उस पॉट को उठा के शिफ्ट कर दें जहाँ पर डायरेक्टली हमारा धार लगा के किसी छज्जे का, किसी बाउंड्री का पानी नहीं गिर रहा है। अगर आप नहीं शिफ्ट कर सकते हैं तो उस केस में आप क्या करें, जहाँ से देखें कि जहाँ पे हमारा धार लगा के पानी गिर रहा है वहाँ पर कोई भी आपके पास पत्थर के इस तरह से टुकड़े पड़े होंगे, वो आप ऐसे पत्थर के टुकड़े रखते हैं। ध्यान रखिए कि जहाँ पर आपकी धार गिर रही है ठीक वहीं पर आप पत्थर रखें। तो देखिए कुछ इस तरह से जब आपका पानी गिरेगा तो ये आपने जो पत्थर रखे हैं ना, तो ये सारा पानी की जो धार का जो प्रेशर होगा तो ये सारा ये लोड ले लेगा आपका पत्थर। इसमें क्या होगा कि इसमें धार लगा के हमारा मिट्टी पे नहीं गिर रहा है तो जड़ें आपके एक्सपोज नहीं होंगी। तो ये इस तरह से आप कोई भी पत्थर के पीस रख दें, या आपके पास पत्थर के पीस नहीं है तो कोई भी टाइल्स के पीस पड़े हो टाइल्स के पीस भी यहाँ पर रख सकते हैं जहाँ पर आपकी पानी की तेज़ धार गिर रही है, तो आप अपनी जड़ों को एक्सपोज होने से बचा पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने आठवें पॉइंट की। आठवें पॉइंट पे आपको क्या करना है कि वैसे तो जैसे मैंने बोला कि बारिश का पानी सभी पौधों को पसंद होता है, पर क्या होता है कि बारिश का पानी सभी पौधों को तो पसंद है पर जो हमारे सकलेंट्स होते हैं उनको हमारी कम पानी की ज़रूरत होती है। तो उनको आप बहुत ज़्यादा पानी में ना रखें, थोड़ी देर के लिए रख भी दें, थोड़ा सा जब उसमें पानी चला जाए तो उसके बाद आप उसको अंदर शिफ्ट कर दें। क्योंकि इन, आपको सभी को पता होगा कि इन पौधों को बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर लगातार आपने इनको पानी में रख दिया तो आपके पौधे गल सकते हैं। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा सकलेंट्स नहीं है, दो ही मेंट कैटेगरी में आता है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा पानी से बचाना होगा। दूसरा ये सकलेंट मेरे पास ये है, मदर ऑफ थाउजेंड्स, तो ये भी हमारी सकलेंट फैमिली से बिलोंग करता है मदर ऑफ थाउजेंड्स। तो इसको भी मैं बहुत ज़्यादा बारिश के पानी में नहीं रखूँगी, तभी रखूँगी जब इसकी मिट्टी सूखी हो जाए, थोड़ी सी इसमें 5-10 मिनट की हल्की सी बारिश का पानी लग जाए और उसके बाद मैं इसको उठा के रख दूँगी अंदर, जिससे कि हमारा ये पौधा रहे सेफ। और नवे पॉइंट पर हमें क्या चेक करना है कि हमारे पौधे लगातार बारिश में ना पड़े, क्योंकि अभी इस बारिश के मौसम में हमें खुद भी नहीं पता होता है कि कई बार लगातार हफ्तों तक बारिश होती है, 10 दिन तक बारिश होती रहती है। तो उस केस में अगर आपके पास कुछ छज्जा या इस तरह का कुछ अगर है तो आप कोशिश करें कि बहुत टाइम तक लगातार बारिश हो रही है तो आप पौधों को बचाएं, क्योंकि लगातार बारिश होगी, लगातार आपके पॉट से पानी निकलेगा तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे मिट्टी के होंगे तो मिट्टी के साथ बहते रहेंगे और हमारे पौधों में हो जाएगी डेफिशिएंसी। तो आप इस डेफिशिएंसी से बचाने के लिए कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश से आप परेशान हैं तो थोड़ा सा अंदर की साइड शिफ्ट कर लें, तो हम पौधों को बचा भी पाएंगे और पौधे पूरा इंजॉय भी कर पाएंगे अपने बारिश के मौसम को। अब बात कर लेते हैं अपने दसवें पॉइंट की। दसवें पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कोई पौधा रीपॉट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए होगा बेस्ट मौसम, क्योंकि इस बरसात के मौसम में आप कुछ भी रिपोर्ट कर, आप सोचेंगे रिपोर्ट क्यों करना है, तो रिपोर्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका पौधा हो जाता है बड़ा और आपका पॉट होता है छोटा। जैसे कि जब आप फैमिली बढ़ने के साथ आपके छोटे घर में गुजारा नहीं होता है, आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है एक बड़े से घर की, उसी तरह से देखिए ये प्लांट है, सारी इसकी पत्तियाँ स्टेम सारी इसकी फैमिली हो गई, और जब इसकी फैमिली बढ़ रही है तो जाहिर है कि इस पौधे को भी एक बड़े घर की ज़रूरत होगी, और ये पॉट हो गया उसका घर, तो हमें इसको शिफ्ट करना होगा एक बड़े से पॉट में। मैं भी इसको रीपॉट करूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया प्लांट, पॉट मेरा बहुत छोटा है, तो इसको मैं जल्दी रीपॉट करूँगी। तो ये बेस्ट मौसम है, अगर आप भी कुछ इसी तरह से रीपॉट करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए होगा बहुत बढ़िया सा मौसम। बात कर लेते हैं हम लोग अपने ग्यारहवें पॉइंट की। तो ग्यारहवां पॉइंट हमारा कौन सा है, वो है हमारा प्रूनिंग। इस मौसम में आप किसी भी पौधे पे आप कैंची चलाएंगे तो आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि आपने गलत प्रूनिंग कर दी, आपने आप अपने पौधों को नहीं बचा पाए।
क्योंकि इस मौसम में पौधे आपको यकीन मानिए पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। आप बस सिर्फ कैंची उठाइए, आप पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहते हैं या हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरह की आप प्रूनिंग करें, पौधे आपको करेंगे पूरा सपोर्ट। क्योंकि इस टाइम पे आप कहीं पर भी कैंची चलाएंगे तो वहीं से आपकी नई नई ब्रांचेस निकल जानी है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौसम है अपने पौधों को प्रून करने का। आपको लगता है कि आपके पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं या कुछ सूखे सूखे से पत्ते हो रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बेझिझक उनमें प्रूनिंग कर दीजिए, तो इस मौसम में बहुत ही हरे भरे हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ स्टेम्स आएंगे। नंबर ऑफ स्टेम्स बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, यानी कि 12वें पॉइंट की। 12वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग अपने बच्चों की ग्रोइंग एज में उनके खाने पीने का बहुत एक विशेष ध्यान रखते हैं कि बच्चों की ग्रोइंग एज न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, बहुत सारा उनको हमें प्रोटीन देना है वगैरह वगैरह जो भी देते हैं। इसी तरह से आप अपने पौधों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में बहुत सारा मिट्टी से पानी बाहर निकलेगा, बहुत सारा बाहर निकलता रहेगा, तो उस पानी के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी आपके बह जाएंगे, तो उनको काफ़ी सारे खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी एक आप काम करें, अभी जस्ट बारिश शुरू हुई है, सभी पौधों में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी देते हैं तो आप एक एक दो दो मुट्ठी, जैसे पौधे हैं जैसे पॉट्स हैं जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है आप उनके अकॉर्डिंग दे दीजिए, एक मुट्ठी दो मुट्ठी जितनी भी ज़रूरत है। और उसके बाद भी ध्यान रखें कि हर 15 दिन में आप उसमें कुछ ना कुछ उनको खिलाते पिलाते रहिए, क्योंकि ये अभी उनकी बढ़त का टाइम है, पौधे बहुत खुश हैं। तो बस उनकी छोटी छोटी सी जो ज़रूरतें हैं उनके खाने पीने का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपके पौधे रहेंगे बहुत खुश और आप तो उनसे डबल खुश रहने वाले हैं। तो बस यही एक छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने शेयर करी, उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी और कुछ भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ऑलरेडी आपने बहुत कुछ कर लिया होगा, तो बस थोड़ा सा आपको चेक करना है। बस आप भी फटाफट से अपनी छोटी छोटी सी तैयारियाँ कीजिए, अपने इस मानसून के मौसम को इंजॉय करिए और अपने पौधों को भी इंजॉय करने दीजिए। तो बस मैं बस वही कहूँगी जैसे हर बार कहती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मिलेगा मेरा नोटिफिकेशन अगले वीडियो का। तो बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।